ये है मिस्टर मीट अंकल हॉरर स्टोरी पार्ट 3। पिछली वीडियो में हमने देखा था मिस्टर मीट के अंकल अपनी गाड़ी को बीच जंगल में रोकते हैं और अपनी गाड़ी से रॉड को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और वहां से गुल्ली बिल्ली और शॉन को लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रॉड को होश आता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में कब आ गया। रॉड को दोबारा से गुल्ली बुल्ली के घर जाना होगा और रॉड गुल्ली बुल्ली के घर का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में भटकता है, लेकिन रॉड को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी रॉड को बीच रास्ते में एक कबाड़ा गाड़ी मिली। उस गाड़ी के अंदर रॉड को एक टॉर्च दिखा। रॉड उस टॉर्च को जलाता है और रोड पकड़कर और भी आगे बढ़ जाता है। इधर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर किसी जगह पर आते हैं और उन्हें किसी घर के छत पर लेकर आते हैं और उन्हें पकाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी शॉन को होश आ जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली को उठाता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली होश में नहीं आते, इसलिए शॉन सोचता है कि वो बाबा की मदद लेगा। जब शॉन उठकर भागने की कोशिश करता है तभी शॉन के सामने इविल नन आ जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन शॉन को भागते हुए देख लेती है और शॉन को हथौड़ा मारकर वहीं पे बेहोश कर देती है। आवाज सुनकर मिस्टर मीट और मिस्टर मीट के अंकल पीछे की तरफ देखते हैं। उन्होंने देखा कि इविल नन तो आ चुकी है। मिस्टर मीट के अंकल इविल नन से कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी इविल नन बोलती है, तुम लोगों का ध्यान किधर था? इधर हमारा एक शिकार भागने वाला था, तुम लोगों के इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए वरना ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर मीट कहता है, ठीक है इविल नन, आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे। और फिर मिस्टर मीट के अंकल कहते हैं, इविल नन हमने चूल्हा जला दिया है, अब बस इन्हें पकाने की देरी है, चलो जल्दी से एक एक कर इन्हें बर्तन में डाल देते हैं और फिर पकाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये काम जल्दी करो, मैं वहाँ बैठ कर इंतजार करती हूँ। लगता है गुल्ली बुल्ली की जान आज खतरे में पड़ने वाली है क्योंकि ये लोग तो इन्हें पकाने जा रहे हैं। इधर रॉड जंगल में चलते चलते भटक चुका है और अब रॉड को समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। लेकिन रॉड यहाँ रुक भी नहीं सकता क्योंकि जंगल में जंगली जानवर आकर रॉड को खा जाएंगे, इसलिए रॉड को यहाँ से चलते रहना होगा। अभी रॉड आगे बढ़ ही रहा था तभी रॉड को रास्ते के किनारे एक टेलीफोन दिखता है। रॉड दौड़कर उस टेलीफोन के पास आ जाता है। टेलीफोन के पास आकर रॉड को दिखता है कि ये टेलीफोन तो काम कर रहा है, रॉड का तो काम ही बन गया। अब रॉड गुल्ली बुल्ली के घर पे कॉल करेगा और उनसे कॉल कर पूछेगा कि वो मिस्टर मीट उन्हें तंग तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर रॉड को समझ में आता है कि अगर वो मिस्टर मीट उनके घर में है तो गुल्ली बुल्ली कैसे कॉल उठाएंगे, इसलिए रॉड को गुल्ली बुल्ली के घर पे नहीं बल्कि बाबा को कॉल करना चाहिए ताकि बाबा उन लोगों के पास पहुंचकर उन लोगों को बचा पाए। जब रॉड टेलीफोन को यूज करने जाता है तो रॉड को पता चलता है ये टेलीफोन तो फ्री में यूज नहीं होगा, इसमें तो पैसे डालने होंगे। लेकिन क्या रॉड के पॉकेट में एक भी रुपया पड़ा हुआ है? रॉड अपना पॉकेट चेक करता है। रॉड की किस्मत अच्छी है, रॉड के पॉकेट में एक रुपया पड़ा हुआ था। रॉड उस सिक्के को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। रॉड उस एक रुपए के सिक्के को टेलीफोन के अंदर डालता है और बाबा को कॉल मिलाता है। बाबा कॉल उठा लेते हैं। कॉल उठाते ही रॉड बाबा से कहता है, बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत बड़े मुसीबत में हैं, आप उनके घर चले जाएं और उन्हें जल्दी से बचा ले। मैं उन्हें अभी नहीं बचा सकता क्योंकि मैं जंगल में फंस चुका हूँ, और हाँ उन्हें बचाने के बाद आप मुझे भी बचाने आ जाइएगा। रॉड ने इतनी बात कही ही थी तभी टेलीफोन का बैलेंस खत्म हो जाता है और फोन कट हो जाता है। लेकिन रॉड ने तो अपनी बात बाबा से कह दी है और अब बाबा गुल्ली बुल्ली को जरूर बचा लेंगे। अब रॉड को इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रॉड जंगल का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को कड़ाही में डालने की तैयारी हो चुकी है। तभी इविल नन ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मसालों का लिस्ट दिया था, क्या तुम वो मसाले लेकर आए? नहीं इविल नन, मैं इस जोकर वाले भेस में आने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए वो मसाले मैं नहीं ले आ पाया। मिस्टर मीट बिना मसालों के इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तुम्हें जल्दी जाकर वो मसाले लेकर आने होंगे, तब जाकर हम इन्हें पकाएंगे। ठीक है इविल नन, मैं वो मसाले लेकर आता हूँ। मिस्टर मीट घर के बाहर आ जाता है और मसाले लेने चला जाता है। इधर रॉड के कॉल आने के बाद गुल्ली बुल्ली को लेकर बाबा की चिंता बढ़ गई है और अब बाबा गुल्ली बुल्ली के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अपनी सुपर बाइक से जाने वाले हैं, लेकिन तभी बाबा को याद आता है कि उनके पास तो सुपर पावर है, उन्हें तो इस बाइक से जाने की जरूरत भी नहीं है, बाबा यहाँ से उड़कर जा सकते हैं। और बाबा वही करते हैं, बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और उड़कर वहां से चले जाते हैं। बाबा बहुत जल्दी गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे आकर बाबा ने देखा कि गुल्ली बुल्ली के घर का गेट तो खुला हुआ है,
बाबा दौड़कर गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आकर बाबा ने देखा कि घर के अंदर तो गुल्ली बुल्ली और शॉन है ही नहीं, लेकिन रॉड ने बताया था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो अपने घर के अंदर मुसीबत में पड़े हुए हैं। बाबा को गुल्ली बुल्ली की चिंता सताने लगी। बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और गुल्ली बुल्ली का पता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के बाद बाबा को पता चला कि गुल्ली बुल्ली तो कहीं और है और वो लोग बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा को जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। अभी बाबा उड़कर उसी जंगल से गुजर ही रहे हैं, तभी बाबा को इस जंगल में दिखा कि नीचे रॉड है और वो पता नहीं किधर जा रहा है। बाबा रॉड के पास चले जाते हैं। बाबा उड़ते ही उड़ते रॉड को भी पकड़ लेते हैं और रॉड को पकड़कर फिर से ऊपर उड़ने लगते हैं। रॉड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर रॉड ने देखा कि बाबा उसे लेकर उड़ रहे हैं और फिर रॉड ने बाबा से कहा, बाबा अच्छा हुआ आप आ गए, आप गुल्ली बुल्ली के घर गए थे, वो लोग मुसीबत में पड़े होंगे। तभी बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड मैं गुल्ली बुल्ली के घर गया था लेकिन वो लोग अपने घर पे नहीं थे और फिर मैंने पता करने की कोशिश की वो लोग कहाँ हैं और फिर मुझे पता चला कि वो लोग तो कहीं बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा ये काम मिस्टर मीट का है। मिस्टर मीट अपना भेष बदलकर गुल्ली बुल्ली के घर में घुस आया और उसने मुझे भी बेहोश कर दिया और मुझे जंगल में लाकर फेंक दिया। वैसे बाबा हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग फुरफुरी नगर जा रहे हैं। मिस्टर मीट उन लोगों को लेकर फुरफुरी नगर की तरफ गया है। इधर इविल नन और मिस्टर मीट के अंकल बैठकर मिस्टर मीट के मसाले लाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर मिस्टर मीट के अंकल ने देखा कि गुल्ली को तो होश आ रहा है और फिर उसने इविल नन से कहा कि इविल नन तुम अपना हथौड़ा मुझे दो, लगता है ये गुल्ली को इविल नन के हथौड़े से मार कर बेहोश करने वाला है। इविल नन अपना हथौड़ा मिस्टर मीट के अंकल को दे देती है और फिर वो जैसे ही उस हथौड़े से गुल्ली को मारने जाता है, तभी बाबा उसके हमले को रोक लेते हैं। बाबा की एंट्री तो बहुत ज्यादा झकास थी, ये देख के मिस्टर मीट के अंकल की आंखें तो फटी की फटी रह गईं और वो डरकर पीछे की ओर जाने लगा। लेकिन फिर बाबा उससे कहते हैं, तुमने गुल्ली को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इविल नन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तो मैं इससे निपट लेता हूँ। बाबा अपनी लेजर से उस पे हमला करते हैं और उसको कड़ाही के अंदर डाल देते हैं। कड़ाही के अंदर डालकर बाबा ने अपनी मैजिकल पावर से उस कड़ाही में पानी भर दिया। लगता है आज मिस्टर मीट के अंकल का चिकन सूप बन के रहेगा क्योंकि ये कड़ाही बहुत ज्यादा गर्म है। उसका काम निपटाने के बाद बाबा इविल नन की तरफ देखते हैं। बाबा देखते हैं इविल नन तो यहाँ से भागने की फिराक में है और वो जैसे ही छत से कूदने वाली थी, बाबा ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे भी उड़ाकर उसी कड़ाही में डाल दिया। लगता है आज बाबा इन दोनों का चिकन सूप पियेंगे। बाबा की नज़र जब मिस्टर मीट पे पड़ी तो बाबा ने उसे भी उसी कड़ाही के अंदर डाल दिया। बाबा ने तो यहाँ आकर सबको ही कड़ाही के अंदर डाल दिया। इधर रॉड ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश में ला दिया था। होश में आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।